अस्सलाम क्लास, वॉइस क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही वॉइस में? ओके चलो हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम सी शार्प का रिव्यू देखेंगे, जो आपने पीएफ में सी शार्प पढ़ी है उसको थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी हम वो सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे सारा काम जब हम पीएफ में कर रहे थे तो वहाँ पे सिर्फ हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग या बेसिक प्रोग्रामिंग टेक्निक्स पढ़ रहे थे। अब जो है हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करेंगे अपनी सी शार्प लैंग्वेज में। ठीक है, तो वहां पे हम सारा काम जो है क्लास के अंदर मेन मेथड बना के कर रहे होते थे और अपने प्रोग्राम को रन करते थे। सो मेन वाज द एंट्री पॉइंट, तो वहां से हमारी सारी चीजें जो हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस राइट डाउन की थी वो उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रही थी। और अगर हमें थोड़ी सी जो है वो चेंजेस करनी थी तो वो वी कैन यूज मेथड्स और फंक्शंस। यहाँ पे भी हम वही सारी चीजें यूज कर सकते हैं जिस तरीके से हमने पहले पीएफ में लूप्स पढ़े थे, हमने इफ स्विच केसेस पढ़े थे, वो सारी चीजें हम क्लास में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम पहले एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक क्लास बनाएंगे, क्लास के अंदर वो सारी चीजें यूटिलाइज करेंगे और मेन मेथड के थ्रू हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे सो दैट वी कैन एक्सेस दोज एट्रीब्यूट्स व्हिच वी हैव डिफाइंड इन द क्लास। जो क्लास के अंदर हमने इफ की स्टेटमेंट्स, फॉर की लूप्स, वाइल्ड के लूप्स, डू वाइल्ड लूप्स, व्हाटएवर, जो भी फंक्शनैलिटी कोई मेथड यूज करना है, जो भी फंक्शनैलिटी एक्सेस करनी है, तो इन ऑर्डर टू एक्सेस दोस फंक्शनैलिटी फर्स्ट वी पहले हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो ऑब्जेक्ट हम मेन मेथड में बनाएंगे। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था कि क्लास इज बेसिकली अ स्ट्रक्चर जिसमें हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे एंड देन वी कैन यूज मेथड इन आवर फंक्शन इन क्लास एज वेल। और फिर चाहे हम उसी क्लास में एक मेन का मेथड बना दें या हम क्या करें, या हम कोई और क्लास बनाएं जिसमें हम मेन के मेथड से उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और उस ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए ऑब्जेक्ट के साथ, जिसको हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसके साथ उन तमाम एट्रीब्यूट्स को जो हमने क्लास में डिफाइन किया उसको हम यूटिलाइज कर सके। तो यहाँ पे भी हमारे पास सेम वैसी है अर्थमेटिक, वी कैन यूज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर। ठीक है, अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसका सी शार्प एक्सप्रेशन क्या होगी, सी शार्प इक्विवेलेंट, ये तो सिंपल है, बी इंटू पी एम। सो सी शार्प में हम मल्टीप्लिकेशन को स्टेरिक से रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पे आपने मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है आप उसको रिप्लेस करेंगे स्टेरिक के सिंबल से। देन अगर डिवीजन दिखानी है तो उसके लिए ये हमारे पास बैक स्लैश, और अगर मॉड्यूलस ऑपरेटर है तो मॉड्यूलस के लिए परसेंटेज यूज होती है। सेम वही कॉन्सेप्ट है रिलेशनल। अच्छा, और इनकी जो है प्रेसिडेंस भी वैसे ही होगी जैसे हमने प्रेसिडेंस टेबल आपने पीएफ में पढ़ा होगा। प्रेसिडेंस क्या बता रही होती है कि अगर एक एक्सप्रेशन में एक ही पूरी स्टेटमेंट, एक फॉर्मूला है, उसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं तो पहले कौन सा ऑपरेटर जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात करूं तो इसमें मेरे पास मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर तीनों के प्रेसिडेंस सेम है और फर्स्ट लेवल पे। मींस अगर मैं एक एक्सप्रेशन राइट डाउन कर रही हूँ उसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मल्टीप्ले आ रहे हैं तो उस पर हम पहले क्या सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस बाद में होगा। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस में जो चीज़ एक्सप्रेशन में लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए पहले आएगी हम पहले उसको सॉल्व करेंगे। लेट से अगर मैं कह रही हूँ ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी डिवाइडेड बाई डी, तो मैं लेफ्ट टू राइट मूव करूंगी। लेफ्ट टू राइट मीन्स ए मल्टीप्लाई बाई बी माइनस सी मल्टीप्लाई बाई डी।
तो मल्टीप्लाई और डिवीजन दोनों की जो है वो, लेट सपोज मैं यहाँ पे एक वाइट बोर्ड ओपन कर देती हूँ, लेट्स सपोज मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी है, ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी डिवाइडेड बाय डी, और जैसे मैंने कहा कि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और मॉड्यूलस की जो मेरे पास प्रेसिडेंस है वो प्लस माइनस से पहले है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉड्यूलस तीनों एक ही लेवल पे है। कैसे डिफाइन आइडेंटिफाई करेंगे कि पहले कौन सा सॉल्व हो? पहले हम इस तरीके से देखेंगे कि हम अपने एक्सप्रेशन को हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट मूव करते वक्त मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या मॉड्यूलस में जो चीज पहले आएगी, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पहले, तो हम ए को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन आगे माइनस है, फिर हम हमारा कंपाइलर चेक करेगा कि इसके बाद कोई और ऐसे ऑपरेटर तो नहीं है जिसकी प्रेसिडेंस मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। माइनस है तो माइनस इसके इक्वल नहीं है, लोएस्ट प्रायोरिटी है माइनस की। फिर आगे जाएगा डिवीजन आ गया, सो डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन सेम है, तो फिर क्या होगा, सी को जो भी वैल्यू होगी उसको डी से डिवाइड कर देगा। सो पहले ये सॉल्व होगा। अगर मैं इसको कह रही हूँ ठीक है, ए इज इक्वल टू टू, बी इज इक्वल टू थ्री, सी इज इक्वल टू फोर, डी इज इक्वल टू टू फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास कैसे सॉल्व होगी? सबसे पहले मेरे पास ए मल्टीप्लाई बाय बी, पहले हम इसको लिख लेते हैं एज इट इज, टू मल्टीप्लाई बाय थ्री, थ्री माइनस फोर डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। तो ये सॉल्व होगी, पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगी, टू मल्टीप्लाई बाय थ्री सिक्स, बाकी एक्सप्रेशन सेम रहेगी। फिर नेक्स्ट स्टेप पे ठीक है, फिर मेरे पास क्या होगा, सिक्स माइनस और डिवीजन, इसमें से डिवीजन की प्रेसिडेंस ज्यादा है तो फिर ये पहले डिवाइड करेगा, फोर को टू से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, टू, सिक्स माइनस टू। अब यहाँ पे एक ही ऑपरेटर है तो मेरे पास रिजल्ट आ गया फोर। तो इस तरीके से हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास हम एक्सप्रेशन को थोड़ा चेंज कर देते हैं, हम कह रहे हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी डिवाइडेड बाय बी, और यहाँ पे डिवीजन पहले कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं और इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। और ए की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, लाइक नाइन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कैसे एग्जीक्यूट होगा, नाइन मल्टीप्लाई बाय थ्री माइनस फोर डिवाइडेड बाय थ्री, और यहाँ पे मेरी एक्सप्रेशन चेंज हो गई है, तो यहाँ पे डिवीजन और यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट तो डिवीजन पहले आया, नाइन डिवाइडेड बाय थ्री विल कॉस थ्री, एंड यहाँ पे फोर मल्टीप्लाई बाय टू, सो फोर टू जा एट, ये जाएगा थ्री माइनस एट, थ्री फोर टू जा एट, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, माइनस फाइव।
मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ना कि पहले जब हम एवेल्युएशन एवेल्युएट करेंगे एक्सप्रेशन को, तो लेफ्ट टू हमेशा हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होंगे। सो लेफ्ट टू राइट मूव करते वक्त जो ऑपरेटर हमारे पास पहले आएगा हम उसको पहले सॉल्व करेंगे जिनकी प्रेसिडेंस सेम हो। सो हमारे पास डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन की प्रेसिडेंस सेम है। हम तो कंपाइलर को देख के चल रहे हैं ना, कंपाइलर कैसे इवेल्युएट कर रहा है हमारी एक्सप्रेशन को। सो फर्स्ट स्टेप में कंपाइलर लेफ्ट टू राइट मूव करेगा। लेफ्ट टू राइट मीन्स यहाँ से मूव करना शुरू होगा। तो इसको जो पहला हमें ऑपरेटर मिला है डिवीजन, तो डिवीजन मल्टीप्लीकेशन और मॉड्यूलस की प्रेसिडेंस सेम है। तो ये सबसे पहले क्या करेगा? अच्छा, अगर मैं एक चीज और कहूँ, जो मैं इस एक्सप्रेशन को चेंज कर दूँ, लाइक ब्रैकेट में कर दूँ बी प्लस सी, अब क्या होगा? मैंने इसकी प्रेसिडेंस चेंज कर दी। सबसे पहले ब्रैकेट जो है वो सॉल्व होते हैं आपके पास, तो अब मेरी एक्सप्रेशन फिर इस तरीके से चेंज हो जाएगी। अब कंपाइलर इस तरीके से रीड करेगा, डिवीजन परफॉर्म करने से पहले देखेगा क्या कोई ऐसा ऑपरेटर है जिसकी प्रेसिडेंस डिवीजन से ज़्यादा है, इसको यहाँ पे ब्रैकेट मिल जाए। तो ये सबसे पहले क्या करेगा? बी प्लस सी, बी प्लस सी मुझे क्या रिजल्ट करेगा? ए वैसे ही रहेगा, ए पे कोई चेंज नहीं आएगा, डिवीजन ऑपरेटर अपनी जगह पे। पहले ब्रैकेट में बी प्लस सी है, सो बी प्लस सी इज 4 प्लस 3, ये आ जाएगा मेरे पास 7। 7 प्लस मल्टीप्लाई बाय डी विच इज 2, यहाँ आएगा इज इक्वल टू 9 को 7 से डिवाइड करेगा तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा? 1, क्योंकि हम डिवीजन यूज कर रहे हैं, मॉड्यूलस यूज नहीं कर रहे। डिवीजन और मॉड्यूलस में डिफरेंस ये है कि डिवीजन ऑपरेटर हमेशा जो है वो क्वेश्चन रिटर्न करेगा और मॉड्यूलस ऑपरेटर हमेशा रिमाइंडर रिटर्न करेगा। सो जब मैं 9 को डिवाइड करूंगी 7 से, सो 7 1 7, रिमाइंडर 2, तो क्वेश्चन क्या आया मेरे पास? 1, 7 1 7, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया? 3। जी क्लास, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में किसी को कोई प्रॉब्लम है कि मैंने कैसे सॉल्व किए ये? देखो ये मेरे पास एक्सप्रेशन है, वी आर अज्यूमिंग कि दिस ऑल वेरिएबल्स आर इंटीजर वेरिएबल्स, ठीक है? और ये मेरे पास एक्सप्रेशन है ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय डी। अब जैसे मेरे पास ब्रैकेट आ गया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो ब्रैकेट में बी की जगह बी की वैल्यू आ जाएगी, सी की जगह सी की वैल्यू आ जाएगी। बी की वैल्यू 3 है मेरे पास और सी की वैल्यू 4 है मेरे पास। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 4 7। सो मेरी एक्सप्रेशन कैसे चेंज हो गई? इस एक्सप्रेशन की जगह बी प्लस सी आ जाएगा विच इज 4 3 प्लस 4 7। सो 9 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हम क्या ये कह रहे हैं कि हमारे पास डिवीजन ऑपरेटर है। डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है? जब मैं 9 को डिवाइड करूंगी 7 से, हमारे पास दो चीजें होती हैं। ठीक है, लेट सपोज कि मैं डिवीजन ऑपरेटर यूज कर रही हूँ, नाइन नाइन को मुझे 7 से डिवाइड करना है। सो 7 1 7, रिमाइंडर क्या आया? 2। सो जब मैं 9 डिवीजन ऑपरेटर 7 यूज कर रही हूँ और जब मैं 9
और ड्यू लिस्ट वो यूज कर रही हूँ, सॉरी सेवन. ठीक है, तो डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, हमेशा जो यहाँ पे वैल्यू आ रही होती है वो रिटर्न करता है, और जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो रिमाइंडर वैल्यू रिटर्न करता है. सो मैं जब 9 डिवाइडेड बाय 7 कर रही हूँ, सो 7 डिवाइडेड बाय 1, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7, और रिमाइंडर क्या आया मेरे पास, 2 9 माइनस 7 2. तो मैं यहाँ पे क्या रिटर्न करूंगी, डिवीजन है तो क्वेश्चन आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 3, तो मेरे पास रिजल्ट 3 आ गया. क्लियर हो गया कि 1 कैसे आया. सॉरी, हाँ ये मेरे पास 2 होगा. एक्सप्रेशन तो समझ में आ गए ना, एक्सप्रेशन इवेलुएट कैसे होगी, एक्चुअल स्टेप यहाँ तक है कि हम एक्सप्रेशन को इवेलुएट कैसे कर रहे हैं. ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं. रिलेशनल एंड इक्वेलिटी ऑपरेटर्स में हमारे पास कौन से आते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर में ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू, एंड इक्वेलिटी ऑपरेटर में इज इक्वल टू एंड नॉट इज इक्वल टू. ठीक है, उससे रिलेटेड इक्विवेलेंट सिंबल्स भी गिवन है कि सी शार्प में ये सब चीजें परफॉर्म करने के लिए हम कौन से सिंबल्स यूज कर रहे होते हैं. ठीक है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू के लिए हम ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू के लिए ये सिंबल यूज होगा, इज इक्वल टू के लिए हमेशा हम 2 इज इक्वल टू यूज करते हैं, हम नॉट इज इक्वल टू के लिए ये नॉट एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इज इक्वल टू. अच्छा, 2 इज इक्वल टू जहाँ पे आएंगे इट मीन्स कि यहाँ पे कंपेरिजन हो रही है. ठीक है, कि फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू, और जहाँ पे हम 1 इज इक्वल टू यूज करेंगे सिंपल, वहां पे असाइनमेंट हो रही है. लेट से अगर मैं कह रही हूँ इंट ए इज इक्वल टू 10, सो जहाँ असाइनमेंट करनी है वहां पे हम सिंगल इक्वल्स टू यूज करेंगे, और जहाँ हमने जो है वो कंपेरिजन करना है, जहाँ 2 इक्वल्स आ गए वहां पे लेफ्ट और राइट साइड वाले वेरिएबल्स की वैल्यू कंपेयर होंगी कि दो दोनों इक्वल हैं या नहीं है. ठीक है, यहाँ पे आ गई प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी. सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस. अगर ब्रैकेट है तो वो ऑब्वियसली सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद जब हम ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, देन प्लस माइनस, फिर उसके बाद लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, फिर नेक्स्ट इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू, और सबसे एंड में असाइनमेंट. और असाइनमेंट को हम कैसे मूव कर रहे होते हैं, राइट टू लेफ्ट. राइट टू लेफ्ट को क्या मतलब है, अगर मैंने एक एक्सप्रेशन दी है एक्स इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी डिवाइडेड बाई डी, वही पहले वाली एक्सप्रेशन, और उससे पहले इज इक्वल टू लगा के उसका रिजल्ट एक वेरिएबल में स्टोर कर रही हूँ, तो वो क्या करेगा, पहले पूरी इक्वेशन को आपका कंपाइलर सॉल्व करेगा, और इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको उस वेरिएबल में स्टोर करेगा. तो यहाँ पे हम कैसे मूव कर रहे होते हैं, राइट टू लेफ्ट, मीन्स पहले इज इक्वल टू के बाद जो राइट साइड वाली एक्सप्रेशन है वो सॉल्व होगी और उसकी वैल्यू उस वेरिएबल में असाइन होगी. सो इज इक्वल टू की जो एसोसिएटिविटी है वो हमारे पास राइट टू लेफ्ट है, असाइनमेंट जिसे हम कह रहे हैं. असाइनमेंट हम कैसे कर रहे हैं, वेरिएबल का नेम होता है, और आगे एक एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं और डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हैं. इफ स्टेटमेंट हम कैसे यूज कर सकते हैं, सिंपल जैसे हमने पीएफ में की थी, इफ यहाँ पे भी इफ स्टेटमेंट बिल्कुल वैसे ही यूज हो सकती है. इफ का कीवर्ड, देन आगे राउंड ब्रैकेट में कंडीशन एंड कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इफ की
body, so that if condition is true, the body of if statement will be executed, and if statement is not true, the body of if will not be executed. अभी हम सिर्फ if की बात कर रहे हैं, and we can use else with if as well. If bracket में condition, if this condition is true, then execute the body of if. Else, if the condition is not true, then execute the else body. जो else की body है वो execute हो जाएगी. ठीक है, यहाँ पे कहने if a is greater than 2, body of if क्या है, a is equal to 5. Let's suppose आप body में बहुत सारी चीजें जो आप insert करना चाहें आप कर सकते हैं. Expression assignment भी कर सकते हैं, simple print statement भी use कर सकते हैं, कोई method को call भी कर सकते हैं, if के अंदर एक और if भी use कर सकते हैं. It's up to you. ठीक है, लूप, थ्री डिफरेंट टाइप की लूप हमने पढ़ी थी पीएफ में, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप. तीनों का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंस है और तीनों की फंक्शनैलिटी भी थोड़ी सी डिफर है कि कब कहाँ कौन सी लूप यूज करनी चाहिए. फॉर लूप में क्या होता है, हमारे पास फॉर का कीवर्ड, देन ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, जो लूपिंग वेरिएबल होता है, जो काउंटर वेरिएबल जिसकी बेसिस पे लूप चल रही होती है, जो ये डिसाइड होता है कि कितनी दफा हमने लूप को एग्जीक्यूट करना है. सो काउंटर वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन, देन हमारे पास सेमीकॉलन, फिर उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसकी बेसिस पे ये डिसाइड होना होता है कि अब आगे कितनी फर्दर नेक्स्ट स्टेप में लूप एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी. अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है सो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट नहीं होगी. एंड देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और फिर उसके बाद ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट क्लोज. उसके बाद हम क्या कर रहे होते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू फॉर लूप की बॉडी डिक्लेयर करते हैं. बॉडी क्या बता रही होती है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर क्या एग्जीक्यूट करना है, क्या क्या पार्ट है, पोर्शन है जिसको बार बार प्रिंट करना है. लाइक इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, फॉर इन आई इज इक्वल टू 10, काउंटर वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10. कंडीशन क्या है, जब तक 10 जीरो से बड़ा है, जब तक आई में माइनस माइनस करते रहो और कंसोल डॉट राइट लाइन पे आई की वैल्यू प्रिंट करते जाओ, तो ये क्या करेगा, 10 से बैकवर्ड जाएगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 तक जाएगा. जैसे ही आई की वैल्यू जीरो होगी, जीरो ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप की बॉडी भी ब्रेक हो जाएगी और लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा. और जब तक कंडीशन ट्रू है, लेट सपोज हम कह रहे हैं आई की वैल्यू 10 है, 10 is greater than 0 है, yes condition is true, then print on screen value of i which is 10, 10 print हो जाएगा. फिर 10 minus minus 1 हो गया, 10 minus 1 9. फिर अच्छा, ये जो initial statement है, जो initialization है, ये for loop में सिर्फ एक दफा चलती है, एक दफा execute होगी, उसके बाद ये दोनों वाला जो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट है और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये बार बार यूज हो रहे होंगे. पहले कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगी, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, फिर दोबारा कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू सो बॉडी ऑफ लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, एंड देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. इस केस में डिक्रीमेंट हो रहा है हमारे पास, तो इसी तरह ये हर बार आई की वैल्यू को मैं डिक्रीमेंट करता रहेगा और आई की वैल्यू को चेक करता रहेगा कि जब तक वो जीरो से बड़ी है उसको प्रिंट करवाता रहे और साथ साथ डिक्रीज भी करता रहे. ये हमारे पास फॉर लूप का स्ट्रक्चर है. व्हाइल लूप में हम क्या कर रहे होते हैं, व्हाइल का कीवर्ड. अच्छा, व्हाइल लूप में तीनों चीजें अलग अलग हो रही होती है हमारे पास, लूपिंग वेरिएबल की डिक्लेरेशन लूप से पहले, कंडीशन लूप के साथ, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लूप की बॉडी के अंदर. ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल उन्होंने दिए व्हाइल. ठीक है, यही ऊपर वाली एक्सप्रेशन जो फॉर लूप के लिए यूज की उसको व्हाइल से इंप्लीमेंट करके दिखाया है. जब तक आई की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि जो कंडीशन वाला पोर्शन है वो व्हाइल के साथ, देन बॉडी ऑफ लूप कंसोल डॉट राइट लाइन आई और साथ साथ आई माइनस माइनस, यानी कि बॉडी ऑफ लूप के अंदर ही हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं. यहाँ पे फॉर लूप में तो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सब एक साथ आ रहा होता है, तो व्हाइल लूप में सारी चीजें अलग होंगी. इसमें हम व्हाइल की लूप लगाने से पहले ही ऊपर कहीं डिक्लेयर कर चुके होंगे एंड आई इज इक्वल टू 10, और उसकी बेसिस पे फिर ये कंडीशन अप्लाई होगी.
एक चीज हम ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे आई माइनस माइनस ग्रेटर देन जीरो कर दें, तो फिर मुझे यहाँ पे ये डिक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, मैं डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट और कंडीशन एक साथ लगा सकती हूँ, लाइक व्हाइल आई माइनस माइनस इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये भी बिल्कुल सेम ऐसी काम करेगा जैसे ये अभी कर रहा है, बस उसके लिए मुझे यहाँ से आई माइनस माइनस हटाना पड़ेगा। इसी तरह डू व्हाइल लूप क्या कर रहा होता है, सबसे पहले डू का कीवर्ड देन बॉडी ऑफ लूप, डू के फौरन बाद बॉडी ऑफ लूप और फिर व्हाइल के साथ कंडीशन, और फिर एंड में यहाँ पे सेमी कॉलन भी आ रहा होता है डू व्हाइल में। अच्छा अब हम तीनों का थोड़ा बहुत डिफरेंस देख लें, डिफरेंस क्या होगा हमारे पास, फॉर लूप हम यूजली तब यूज कर रहे होते हैं जब हमें पहले से पता हो कि लूप कितनी दफा एग्जीक्यूट होगी, जैसे अभी इस वाले केस में जो 10 टाइम्स मुझे प्रिंट करवाना है उसके लिए फॉर लूप इज द बेस्ट। ठीक है, फॉर लूप का हम वहां यूज कर रहे होते हैं जहां पे हमें पहले से पता हो हाउ मेनी टाइम्स लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे 1 से लेकर 50 तक नंबर्स प्रिंट करवाने हैं तो उसके लिए मैं फॉर लूप यूज करूँगी, मुझे पता है कि 50 तक चलेगी लूप। अगर मैं कह रही हूँ मुझे 1 से लेकर 100 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं वो प्रिंट करवाने, तो मुझे उसमें पता है कि मेरी लूप 1 से लेकर 100 तक चलेगी जिसमें इवन नंबर्स प्रिंट करेगी। ठीक है, तो मुझे इसमें पहले से पता है कि मेरी लूप कितनी दफा एग्जीक्यूट होगी। व्हाइल लूप हम तब यूज कर रहे होते हैं जब हमें पहले से ना पता हो कि कितनी दफा लूप एग्जीक्यूट होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह रही हूँ कि नंबर्स प्रिंट करते रहें इवन नंबर्स जब तक यूजर जो है वो एस्केप की प्रेस ना करे। ठीक है, अब हो सकता है जब प्रोग्राम रन हो रहा हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट पे यूजर एस्केप प्रेस कर दे, लूप एक दफा चलेगी। नेक्स्ट टाइम जब रन करे यूजर 10 टाइम्स नंबर प्रिंट करवा दे, मींस कि मुझे पहले से नहीं पता है कि हाउ मेनी टाइम्स लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। इसके एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं आपसे कहूँ कि एक पेपर निकालें, उस पेपर पे 10 टाइम्स अपना नाम प्रिंट कर दें, सो आपको भी पहले से पता है और मुझे भी पता है कि आप कितनी दफा करेंगे एक ही स्टेप पे अपना नाम लिखने का, जो स्टेप है उसको बार बार जो है वो परफॉर्म करेंगे, कितनी दफा 10 टाइम्स पेपर पे अपना नाम लिखेंगे। व्हाइल लूप की एग्जाम्पल इस सिनेरियो में ये हो सकती है कि मैं आपसे कहूँ कि एक पेपर निकालें और उस पेपर पे अपना नाम लिखना स्टार्ट कर दें जब तक मैं स्टॉप ना बोलूँ। ठीक है, अब हो सकता है मैं 1 मिनट बाद स्टॉप बोलूँ, हो सकता है मैं 2 मिनट बाद स्टॉप बोलूँ, हो सकता है मैं 3 सेकेंड्स बाद स्टॉप बोलूँ, हो सकता है मैं 10 सेकेंड्स बाद स्टॉप बोलूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे नहीं पता, पहले से मैं नहीं बता सकती कि मैं स्टॉप कब बोल रही हूँ, ना आपको पता है, आप अपना सिर्फ नाम लिख रहे होंगे। ठीक है, तो आपको नहीं पता कि आप कितनी दफा, जब तक मैं स्टॉप नहीं बोलूंगी, आप कितनी टाइम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाइल लूप क्या है कि हमें नहीं पता कि हमारे पास कितनी दफा लूप एग्जीक्यूट होगी। और डू व्हाइल क्या है, सेम एज व्हाइल, जैसे व्हाइल लूप काम कर रही होती है डू व्हाइल लूप बिल्कुल सेम है, बट बेसिक डिफरेंस इज दैट कि डू व्हाइल लूप अगर कंडीशन फॉल्स होगी फिर भी एटलीस्ट एक दफा जरूर एग्जीक्यूट होगा। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? अभी तक हमने कोई नई चीज नहीं पढ़ी है, अभी तक वो जो चीजें हम पढ़ते आ रहे हैं उसी को थोड़ा सा हम रिवाइज कर रहे हैं। ओके, आउटपुट हमें आउटपुट यूज करना है, तो आउटपुट के लिए हम क्या यूज करेंगे, राइट लाइन और राइट के बिल्ट इन मेथड्स। ठीक है, राइट लाइन और राइट कंसोल की क्लास के मेथड है और नेम स्पेस हमारे पास सिस्टम की यूज हो रही है, जो सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन, सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट। अगर आपने स्टार्ट में ही यूजिंग सिस्टम की नेम स्पेस यूज कर ली है तो फिर यहाँ पे आपको बार बार सिस्टम रिपीट करने की जरूरत नहीं होगी। देखो व्हाइल और डू व्हाइल दोनों की फंक्शनैलिटी ऑलमोस्ट सेम है, बट डिफरेंस इज दैट कि डू व्हाइल आपकी फर्स्ट टाइम कंडीशन फॉल्स हो, अगर आपकी फर्स्ट टाइम कंडीशन फॉल्स हो गई, फर्स्ट टाइम पे कंडीशन फॉल्स हो गई, तो व्हाइल लूप एक दफा भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो है जिसमें आप चाह रहे हैं कि एटलीस्ट एक दफा लूप चले और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए, कंडीशन फॉल्स होने पर भी एक दफा लूप चले,
ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो के लिए फिर आप डू वाइल यूज करेंगे जहां पे आप चाह रहे हो कि अगर कंडीशन फॉल्स भी हो रही है तो लूप एक दफा एटलीस्ट जरूर एग्जीक्यूट हो, जबकि वाइल लूप कंडीशन फॉल्स हो गई तो एक दफा भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। जबकि डू वाइल क्या कह रहा है, पहले ये काम करो फिर कंडीशन चेक करो। तो अगर आपका कोई ऐसा सिनेरियो है जिसमें आप चाह रहे हैं कि पहले जो है हमारे पास एक दफा लूप एग्जीक्यूट हो जाए, बॉडी ऑफ लूप, देन उसके बाद कंडीशन चेक हो, तो फिर उसके लिए आप डू वाइल की तरफ जाएंगे। ठीक है, फिर हमारे पास आ गया कंसोल डॉट राइट लाइन और कंसोल डॉट राइट, दोनों में क्या डिफरेंस है? कंसोल डॉट राइट लाइन जो स्टेटमेंट एज एन इनपुट गिवेन होगी उसको प्रिंट कर देगा एज इट इज आपके कंसोल पे, आपकी स्क्रीन पे, और उसको प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन पे आपके कर्सर को ले जाएगा। जबकि कंसोल डॉट राइट क्या करेगा, जो चीज़ प्रिंट करवानी है उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवाएगा और कर्सर को सेम पोजीशन सेम लाइन पे ही रखेगा। ठीक है, राइट लाइन जो है, जो चीज़ प्रिंट करवानी है उसको प्रिंट करवाने के बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा, जबकि कंसोल डॉट राइट लाइन जो चीज़ प्रिंट करवानी है उसको प्रिंट करने के बाद कर्सर को सेम लाइन पे ही रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिए, कंसोल डॉट राइट लाइन प्रिंट्स ऑन कंसोल डॉट राइट लाइन न्यू लाइन, कंसोल डॉट राइट प्रिंट्स ऑन, सेम ही चीज है, एक दफा कंसोल डॉट राइट लाइन यूज किया, एक दफा सिंपल कंसोल डॉट राइट। तो जब कंसोल डॉट राइट लाइन यूज किया तो ये क्या करेगा, स्क्रीन पे प्रिंट्स ऑन प्रिंट करेगा और राइट लाइन का मेथड है, प्रिंट करने के बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट इसको क्या मिली, न्यू लाइन। सो क्योंकि कर्सर मेरे पास ऑलरेडी न्यू लाइन पे मूव हो चुका है तो न्यू लाइन पे प्रिंट हो जाएगा। यही चीज अगर हम कंसोल डॉट राइट के मेथड पे देखें तो कंसोल डॉट राइट प्रिंट्स ऑन, सो ये प्रिंट्स ऑन क्या करेगा, स्क्रीन पे प्रिंट्स ऑन प्रिंट करेगा एंड देन कर्सर क्योंकि राइट लाइन नहीं है तो हमारे पास ये कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे नहीं लेके जाएगा, सेम पोजिशन पे रखेगा। और सेम पोजीशन पे क्या कंसोल डॉट राइट प्रिंट हो रहा है, सेम लाइन, तो उसी सेम लाइन पे मेरे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट भी प्रिंट हो जाएगी। अगर हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो हम उसको कैसे प्रिंट करवा सकते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन में, हम डायरेक्ट कोई लिटरल वैल्यू कॉन्स्टेंट वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हैं। अगर हमें कोई फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज़ करनी है तो उसके लिए हम कोटेशन यूज़ करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो चीज़ लिखेंगे वो एज इट इज़ हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। और अगर हमें वेरिएबल को प्रिंट करवाना है तो वेरिएबल को प्रिंट करवाने के लिए लेट से इंट वैल्यू इज इक्वल टू 10 कंसोल डॉट राइट लाइन वैल्यू, तो यहाँ पे इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी विच इज 10। और अगर मैं लिटरल प्रिंट करवा रही हूँ, लिटरल मीन्स कॉन्स्टेंट वैल्यू, सो वो उसके लिए हम कोई कोड या कोई वो नहीं यूज करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट जो चीज है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। अगर हमें फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज करनी है, मीन्स हमने वेरिएबल की वैल्यू पे प्रिंट करवानी है और उसके साथ हम चाह रहे हैं कि हमारे पास कोई स्ट्रिंग भी प्रिंट हो, तो उसके लिए हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज करेंगे। लाइक यहाँ पे क्या स्टेटमेंट है, इंट वैल्यू इज इक्वल टू 55 कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो प्लस वर्ल्ड, हेलो प्लस वर्ल्ड एज इट इज यूज हो जाएगा, वेयर प्लस इज यूज एज अ कंकेटिनेशन ऑपरेटर। नेक्स्ट मैंने एक और स्टेटमेंट यूज की कंसोल डॉट राइट लाइन, जिसको मैं कह रही हूँ वैल्यू, जो चीज हमने स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट करवानी है वो डबल कोट में रिप्रेजेंट होगी, सो वैल्यू इज इक्वल टू स्ट्रिंग स्क्रीन पे ऐसे प्रिंट हो जाएगा। आगे मुझे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो इस फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के साथ मैं प्लस का सिंबल यूज करूंगी एज अ कंकेटिनेशन ऑपरेटर एंड देन विल यूज द नेम ऑफ वेरिएबल विच इज वैल। तो ये क्या प्रिंट करेगा, जो चीज इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है वैल्यू इज इक्वल टू एज इट इज प्रिंट हो जाएगी एंड देन नेम ऑफ वेरिएबल वैल which will print 55 on screen। अच्छा, अब हम ये भी कर सकते हैं कि हम प्लस ऐसा कंकेटिनेशन ऑपरेटर यूज करने के बजाय हम इसको रिप्लेस करने इस स्टेटमेंट को विद दिस पोजीशनिंग मार्कर, जिसको हम कह रहे हैं वैल्यू इज इक्वल टू
और यहाँ पे हम इंडेक्सिंग यूज करें, कर्ली ब्रैकेट जीरो इन्वर्टेड कॉमा क्लॉज कॉमा वेल। तो यहाँ पे जो जीरो पोजीशन है, यहाँ पे वेल की जो वैल्यू है उसको कहाँ रिप्रेजेंट रिप्लेस कर देगा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इस जीरो पोजीशन पे। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल्स प्रिंट करवाने तो फिर उसके लिए जीरो, फिर नेक्स्ट इंडेक्स वन, फिर टू एंड सो ऑन। और फिर यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड उन वेरिएबल्स के नाम आते चले जाएंगे, तो वो जो पहले वेरिएबल होगा उसके अकॉर्डिंगली इंडेक्स पे वही वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर देगा। सो आप चाहें तो कंकेटिनेशन ऑपरेटर यूज कर लें, और अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, मीटिंग एंड हो जाएगी तो सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे, ठीक है? सिंपल प्रोग्राम है, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, फर्स्ट नंबर उसको इनिशियलाइज भी कर दिया, दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया सेकंड नंबर उसको भी इनिशियलाइज कर दिया, और एक थर्ड वेरिएबल सिर्फ डिक्लेयर किया है। और फिर उसमें क्या वैल्यू स्टोर कर दी, रिजल्ट इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर। और कंसोल डॉट राइट लाइन पर मैंने क्या प्रिंट करवा दिया, जीरो प्लस वन इज इक्वल टू टू। तो ये क्या करेगा, क्योंकि ये चीज इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है और इंडेक्सिंग यूज की है मैंने, और कॉमे के बाद फर्स्ट नंबर कॉमा सेकंड नंबर रिजल्ट, तो ये क्या करेगा, जो जीरो वाली पोजीशन है वहां पे फर्स्ट नंबर प्रिंट कर देगा। सो फर्स्ट नंबर इज फाइव, इट विल प्रिंट फाइव ऑन स्क्रीन, प्लस प्लस एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। फिर इसको एक और इंडेक्स मिला वन, तो ये फॉरन कहाँ जाएगा, सेकेंड वाला वेरिएबल, सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर पे वेरिएबल की वैल्यू टेन है, इट विल प्रिंट टेन ऑन स्क्रीन, देन इज इक्वल टू एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, एंड टू पे क्या प्रिंट कर देगा, रिजल्ट जो कि फाइव प्लस टेन फिफ्टीन है। तो इस तरीके से हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं विथ मल्टीपल वेरिएबल्स। ठीक है, इनपुट हमें लेना है, इनपुट लेने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट मेथड है, लाइक रीड लाइन, रीड एंड रीड की। डिफरेंस पढ़ लेते हैं, रीड लाइन क्या करती है, बाय डिफॉल्ट जो रीड कर रही होती है जो चीजें वो सारी की सारी स्ट्रिंग फॉर्म में करती है, इट रिटर्न द सेम स्ट्रिंग। द रीड लाइन मेथड रीड द नेक्स्ट लाइन ऑफ इनपुट फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम। यानी कि रीड लाइन का मेथड क्या करेगी, जो चीज आप कीबोर्ड से टाइप कर रहे होंगे जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करेंगे पूरी की पूरी स्ट्रिंग को रीड कर रही होगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम जब कोई इंटीजर में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसमें यूजर से इनपुट लेते हैं, क्योंकि इनपुट लेने के लिए तो रीड लाइन का ही मेथड यूज होता है। सो वो क्या करेगा, जो चीज हम इनपुट दे रहे हैं उसको पहले कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट डॉट टू एंड 32, और फिर ब्रैकेट के अंदर कंसोल डॉट रीड लाइन। यानी कि पहले इनपुट लो और जो इनपुट ले रहे हो, क्योंकि रीड लाइन का मेथड जो भी इनपुट लेगा बाय डिफॉल्ट वो उसको स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। लेट्स से अगर आप रीड लाइन के मेथड में 10 इनपुट दे रहे हैं तो वो उस 10 को भी स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि पहले रीड लाइन के मेथड से इनपुट लो और इनपुट लेने के बाद उसको कन्वर्ट कर दो जिस भी वेरिएबल में आपने उसको कन्वर्ट करवाना है। इंटीजर में करवाना है तो कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, डेसिमल डबल में करवाना है तो कन्वर्ट डॉट टू डबल, फ्लोट में करवाना है तो कन्वर्ट डॉट टू सिंगल, उसी के अकॉर्डिंगली आप उसको कन्वर्ट करवा दो। सेकेंड मेथड इज रीड। रीड मेथड रीड द नेक्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम, इट रिटर्न्स द ASCII वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर। रीड मेथड क्या करेगा, सिर्फ एक कैरेक्टर को रीड करेगा जबकि रीड लाइन पूरी स्ट्रिंग रीड कर रहा है। रीड का मेथड क्या करेगा, जस्ट एक कैरेक्टर रीड करेगा और उसकी ASCII वैल्यू रिटर्न करेगा। मैं अभी आपको बता देती हूँ कि कैसे करेगा। मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे।